नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सहजानंद विद्यालय के द्वारा आयोजित डिजिटल एजुकेशन श्रेणी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, कक्षा 6 विषय हिंदी में हम आज पांचवी कविता का अभ्यास करेंगे, जो है जय विज्ञान की, जय जवान की, जय किसान की। मतलब उसके बारे, विज्ञान की खोज के बारे में, किसान के बारे में है। उसका टाइटल है जय विज्ञान की। जो जो सुविधाएं भोगत रहे हम नए नए उपकरण बना के, उसके बारे में यह कविता है जो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। काव्य 5 जय विज्ञान की देख लेते हैं हम। उसका पहले का वर्णन। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है कि आज विज्ञान की खोज के कारण जो हम लोग सुख सुविधाएं भुगत रहे हैं वह वैज्ञानिक खोज के कारण। इसीलिए जय जवान की और जय किसान के साथ साथ हमें विज्ञान की भी जय बोलनी चाहिए। तो आपको पता होगा कि पहले समय में जब वाहन व्यवहार नहीं था, पंखे नहीं थे, तो लोग कैसे अपना बिजली के बिना अपना गुजारा कैसे करते थे, वो हम सब जानते ही हैं। चलो हम काव्य शुरू करते हैं। पहला जो काव्य का टॉपिक है वो हम करेंगे, उसके बाद हम दूसरा, उसके बाद तीसरा और चौथा। इस तरीके से 4 भाग में वो काव्य दी गई है, मतलब उसकी पंक्तियाँ इस तरीके से दी गई है। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की, सुविधाओं का शुरू सिलसिला, विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की, जब विकास का जादू है, नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। यहाँ पे हम लोगों को किसान की जय बोलने को कहा है, जवान की जय बोलने को कहा है, साथ में विज्ञान की जय बोलने को कहा है। साथ में देखो, सुविधाओं का शुरू सिलसिला, विलासिता की खुशबू है, मतलब सुविधाओं के कारण चारों ओर सुख दिखाई देता है कि जैसे जितनी सुविधाएं मिलती है उसके हमें क्या मिलता है, सुख मिलता है। वैज्ञानिक खोजों के कारण समय और शक्ति की बचत होती है। यहाँ पे लिखा है कि समय और शक्ति की क्या होती है, बचत होती है। और चारों तरफ क्या होता है, विकास का जादू होता है, नए नए उपकरण जो बनाए उसका जादू है। नई खोज हमारे लिए आशीर्वाद के रूप है। जो नई, जितनी नई खोज है वो हमारे लिए क्या है, आशीर्वाद है, कि जिससे हमारा कार्य है वह क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। कि पहलू जो है कि अहीं जय गुजराती करूँ छो, हमें जय जवान खेडूत अने विज्ञानों जय जयकार करवानो कह्यो छे। वैज्ञानिक शोधना कारणे चारे बाजू सुख नजरे जोवा मळे छे। समय અને શક્તિની સાથે સાથે બચત થાય છે અને નવા નવા ઉપકરણોની શોધ એક જાદુ સમાન લાગી રહ્યો છે। હવે બીજો ટોપિક, મોબાઈલ પર બાતે કરીએ, પેચર ફેક્સ મુસ્કુરાતે, પલ મે જયપુર, પલ મે મથુરા, માનવ આજ પહોંચ જાતે, વિશ્વ વિજય મિલતી જિસ પદ પર ડગર વહી આસાન કી, જય જવાન કી, જય કિસાન કી, જય હો જય વિજ્ઞાન કી। કહેતે હૈ કે મોબાઈલ પે પેજર ફેક્સ કી વજહ સે હમ પલ ભર મે એક દૂસરે કે યહાં સંદેશ પહોંચા સકતે હૈ। હમે અપને જીવન પદ પર વિજ્ઞાન કી ખોજ સે વિજય મિલી હૈ, કે હમ વૈજ્ઞાનિક નઈ નઈ ખોજ કરતે હૈ ઉસકે કે હમારે જીવન પદ પર ઉસસે વિજય મિલી હૈ, હમારા જીવન ક્યા બન ગયા હૈ, આસાન હો ગયા। पहले के समय में क्या था बच्चों, कि एक हम तार टपल से टपाल या पोस्ट कार्ड हम तो भेजते थे, तो उसका मतलब क्या होता था कि बहुत टाइम बाद पहुंचता था, इसलिए समय पर हमारा संदेश पहुंच नहीं पाता था। लेकिन आजकल सुविधा बहुत हो गई है, इसीलिए हमारा संदेश आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल के माध्यम से, पेजर के माध्यम से, मेल के माध्यम से या किसी के माध्यम से हमारा संदेश पहुंच जाता है, इसीलिए हमें विजय जैसे मिलती है ऐसा लग रहा है। कंप्यूटर की क्रांति आई,
इंटरनेट की परछाई अधर अधर पर खुशियाली की गंगा यमुना लहराए, बच्चे नई सदी के बोले दुनी अपनी शान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान। कंप्यूटर और इंटरनेट की जो सुविधा है उससे सबसे क्या हो, जीवन में क्रांति आई है, मतलब आसानी से अपना जीवन में जो भी कार्य है आसानी से कर सकते हैं। सबके मुंह पर खुशियाँ ही दिखाई पड़ती है, सब खुश रह रहे हैं। नई सदी के जो अभी इस समय के सदी के बच्चे हैं वो कहते हैं कि यही दुनिया है जो है वो हमारे शान की बनी है, का दुनिया छे ये आपणा शान की बनी छे। कंप्यूटर की क्रांति साथे साथे इंटरनेट प्रत्यक्ष बात थई शके छे, चारे बाजू से खुशियाँ छवाई गई छे। नवा युगना बाळको कहे छे कि आ आपणी शान छे, आपणी शोभा छे। આવી રીતના આ કાવ્યમાં ઇન્ટરનેટ કોમ્પ્યુટરની મજેદાર વાતો કરવામાં આવેલી છે। નેક્સ્ટ ટોપિક, ચલે સમય કે સાથ તભી તો દુનિયા મેં યશ પાયેંગે, ઇસ સુવિધા પર સ્વર્ણ સવેરા નિજ પ્રયાસો સે લાયેંગે, ફિર કમની શરૂઆત સભી કો માનવતા કે ગાન કી, જય જવાન કી, જય કિસાન કી, જય હો જય વિજ્ઞાન કી। कि यहाँ पे कहते हैं कि हम दुनिया के साथ साथ कदम मिलाकर चलेंगे, हमें यश तभी प्राप्त होगा, अपने प्रयासों से धरती पर सोने का सूरज निकालेंगे, मतलब इतना धरती को इतना महकाएंगे कि जो वो सोने जैसे चमकने लगे, मतलब अपने कार्यों से। हमें मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ हमें मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और समय के साथ साथ चलना चाहिए, कि जो आपणे समयनी साथे कदम मिलावीने चालशुं तो दुनियामां आपणी कीर्ति વધશે, માનવતા સાથે આપણે પ્રયત્નો કરીશું તો ધરતી પર સોનાનો સૂરજ ઉગશે, મતલબ આપણા કાર્યથી એક સોનાનો સૂરજ ઉગશે, જય જવાન કી, જય કિસાન કી, જય હો જય વિજ્ઞાન કી। બચ્ચો યહાં પે હમારા જો કાવ્ય હૈ વો ખતમ હોતા હૈ, લેકિન આપકો કાવ્ય કે પીછે એક ભાષ્ય સચિતા દી ગઈ હૈ, ઉસકે બારે મેં આપકો બતાઉંગી, ઉસકે બાદ હમ કાવ્ય કા ગાન કરેંગે। अपनी आपकी पुस्तक में पेज नंबर 28 पर योग्यता विस्तार दिया गया है, जिसमें हमको मोबाइल या टेलीविज़न के हिंदी इंग्लिश नाम आते हैं, लेकिन हमें उसका हिंदी नाम पता नहीं है, तो इसके सामने हमें उसका हिंदी नाम दिया गया। जैसे कि टेलीफोन को हिंदी में दूरभाषा कहते हैं, मोबाइल को भ्रमण भाषा कहते हैं, कैलकुलेटर को क्या कहते हैं, गणन यंत्र, कंप्यूटर को कहते हैं संगणक, टीवी को कहते हैं दूरदर्शन, रेडियो को कहते हैं आकाशवाणी, टेप रिकॉर्डर को कहते हैं ध्वनि मुद्रण यंत्र, फैक्स को कहते हैं चित्र संदेश, और इंटरनेट को कहते हैं आंतरजाल। यह सब आपको अपनी बुक में लिखना है और साथ ही में इसको तैयार भी करना है। यहाँ पे बच्चों हमारा जो काव्य है वो खत्म होता है, इसका गान हम करेंगे। आप मेरे साथ साथ गाना, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की, सुविधा अवकाश रू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है, नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फिक्स मुस्कुराते, चले पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते, विजय श्री मिलती इस पथ पर, चले डगर वही आसान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। कंप्यूटर की क्रांति आई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशियाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दुनी अपनी शान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान।
चले समय के साथ, तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयासों से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। बच्चों आपको ये काव्य लिखना है, तैयार करना है और समय से याद करना है। यहाँ भी हमारा काव्य पाठ खत्म होता है। अस्तु, जय स्वामी नारायण।